Hi guys, welcome back to Class of Planning. You have a friend Rahul Sharma, guide, mentor, वो जो आपका दिल करता है आप मान सकते हैं. लेकिन यहाँ पे क्लास की सीरीज, क्लास की सीरीज सर फिगर स्पीड की बात कर रहा हूँ, उसकी सीरीज को कंटिन्यू करने का था. आपने कहा फिगर स्पीड जी सर काफी सारे हैं, तो उनमें वन बाय वन अब बारी आती है ओनोमोटोपिया की. आपने कहा ओनोमोटोपिया, अब ये पोएट्री डिवाइस स्कूल स्टूडेंट्स ने तो सुना ही था, और जब तक कॉलेज में हमने फिगर स्पीचेस पढ़ना बंद कर दिया तो पता नहीं था कि यूज होता भी है या नहीं होता. अलॉन्ग विद एंट्रेंस एग्जामिनेशन, अगर एंट्रेंस की बात करते हो, एंट्रेंस में भी ओनोमेटोपिया का यूज है और वो डोमिनेंट यूज है. आपने कहा यहाँ पे सर एक टर्म बताता हूँ आपको, उसको याद रखना, मिमेसिस. इसको एक वो वर्ड से आता है इमिटेशन, किसी को कॉपी करना. कॉपी करना मतलब अगर मैं बोलूं किसी के साउंड को कॉपी करना है, किसी के साउंड से उसकी पहचान करना, That words वो onomatopoeia. आपने कहा onomatopoeia highlight क्या करता है? ये sound को gesture करता है, उसके हिसाब से अपने viewpoint create करता है. आपने सर आप ये talk on any individual? No, we are not talking on any individual. We are talking on a figure of speech जो highlight करती है किसी sound को, किसी sound के uses से उस चीज को explain करना. That is onomatopoeia. Let's start the class. The first thing that we need to work out is it's defined as a word which imitates the natural sounds of a thing. The natural sounds of a thing. How does a cat sounds? Meow. The word. अब meow word अगर वहाँ कहीं लिखा हुआ मिल गया आपको, तो it refers that it is sound of a cat. Then it creates a sound effect that mimics the thing described, making the description more expressive. इससे वो और ज़्यादा expressive हो जाएगा. When you say meow meow, it means you are really referring the sound of a cat. Everybody get to know that. उनको पता लग जाएगा कि आप sound दे रहे हैं किसका, cat का. And then here we have more expressive than interesting. इसमें कुछ चीजें होती हैं जो हमें highlight करनी. As a matter of fact, अगर हम बोलें onomatopoeia को कुछ अलग अलग समझ के बहुत easy pointing device नहीं, जो बहुत easily grab भी कर सकता है, मतलब मेरे को बहुत easily identify कर लेंगे if we do have a knowledge कि onomatopoeia कहाँ use होता है और उसके sequences क्या हैं जो हमें पकड़ने. The reason that we cannot be master of figure speeches is that we do have a lack of knowledge regarding the uses. अगर आपको इन pointed devices in figure speeches के uses पता लग जाएं, तो आप easily identify कर लेंगे guys. कोई difficulty नहीं है, किसी भी तरह का entrance exam, चाहे वो CTEC की बात हो, HTEC की बात हो, मैं JLF English की बात कर रहा हूँ, या मैं बात कर रहा हूँ MA entrance की, इन सब के अंदर ये pointed devices के 3 से 4 question confirm है जो आते हैं. और हम फिर भी गलत कराते हैं. रीजन, वी डोंट हैव अ प्रॉपर नॉलेज. तो उसके लिए करना कुछ नहीं यार, इसी चैनल को अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए अभी, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे पॉइंटेड डिवाइस डिटेल में एक्सप्लेन मिलेंगे आपको. अगर सबके सब एक साथ देखना हो तो उसकी वीडियो है, और अगर सबके सबको अलग देखना है कि मुझे सिर्फ यही पॉइंटेड डिवाइस क्लियर करना है, तो उसकी अलग वीडियो है गाइस. आप सीरीज को कनेक्ट करेंगे, आपको वो वीडियो मिल जाएंगी. और जब आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज हाथ में पेन और नोटबुक रख लीजिए, ताकि आप लिख पाएं कि क्या क्या चीजें याद रखनी है. अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल से. फर्स्ट, द रस्टिंग लीव्स केप्ट मी अवेक. द रस्टिंग लीव्स केप्ट मी अवेक. सेकंड, ही लुक एट द रोरिंग. ही लुक एट द रोरिंग. द सैक फेल इनटू रिवर विद अ स्प्लैश एंड द बजिंग बी फ्लू अवे. चारों के चारों में कहीं ना कहीं उसने साउंड की बात की, वो साउंड हमें हाईलाइट करता है कि किस वजह से वो चीज नहीं हो पाई. तो गाइस, दिस इज अ वे टू क्रैक योर पॉइंटेड डिवाइस और फिगर स्पीच, कि आप उसको कैसे पकड़ लेंगे कि कौन सा फिगर स्पीच कहाँ यूज हो और आप कैसे यूज करेंगे. सो दिस व्हाट आई रियली हैव टॉट यू इन दिस पर्टिकुलर क्लास. आई होप दिस बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस. मोर यू नीड टू वॉच माई वीडियोज सो दैट यू कैन ग्रैब एवरीथिंग. All the best, guys.